मॉर्निंग फ्रेंड्स, इस समय मैं हूँ तांडी में। रात को कोकसर की बजाय हम तांडी में रुक गए थे क्योंकि वो सिर्फ 30 किलोमीटर दूर था और यहाँ इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है लास्ट, इसके बाद फिर डायरेक्ट ले में है नेक्स्ट फिलिंग स्टेशन 365 किलोमीटर्स एट ले। कुछ लोग साइकिल्स पे भी आए हैं। तो अब आने वाला है विलेज पैत्सियो और यहाँ भी रोड बनने का काम चल रहा है। लैंडस्लाइड से पहले जहाँ हम रुके थे उससे पहले थोड़ा रास्ता कच्चा था, यहाँ रोड बनी हुई है सही। सात दिन से इस रास्ते पे चला के अब थोड़ी आदत सी हो गई है कि कैसे हर कट पे टर्न लेना है और कैसे क्लच या ब्रेक यूज़ करने हैं। लास्ट टाइम जब आया था तो थोड़ा डर होता है, अब थोड़ा सही से चल रही है अच्छे से। जैसे हिमाचली चला लेते हैं उनके जैसे तो नहीं, वो तो बिना हॉर्न के भी कोई भी कट क्रॉस कर लेते हैं। हमारे लिए इतना बहुत है अभी। पैत्सियो के बाद बारालचला आता है जहाँ पे कुछ नाले आएंगे दो तीन। एक बड़ा नाला है और दो छोटे हैं। तो
अब आप आगे हैं जिंगजिंग बार में, और यहाँ से 22 किलोमीटर है बारालाचला पास। ठंड अब थोड़ी सी हो गई है क्योंकि अब हम जा रहे हैं बारचला, और इसी रास्ते पे अभी बर्फ़ गिरी हुई है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि ये थोड़ा टॉप पे है इस वजह से। और ये सारे रास्ते जो हैं घूम घूम के ऊपर चढ़ते हैं एकदम से ऊपर ऐसे। ये पूरा 20 किलोमीटर का पैच ऐसे ही है, और यहाँ सड़क बनी हुई है पहले ही, और यहाँ और अच्छी बन रही है। गुड, इट्स गुड। सड़क पहले ही अच्छी थी और इसके ऊपर फिर से बना रहे हैं। मैं पहले भी कह रहा था कि अब ये रूट कमर्शियल यूज़ के लिए ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से अब यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने लग गया है। ऑफ रोड के लिए ही आते थे, लेकिन अब इस रास्ते पे सड़क के ऊपर और अच्छी सड़क बन रही है, तो लोग जल्दी जल्दी भी पहुंच सकते हैं ले। एक दिन में भी आप कर सकते हो अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो। से सरचू रह गया है 47 और पारचला 16। हिम्मत है भाई इनकी, मेरे बस का नहीं है। तो यहाँ नया कैफे खुला है, पहले नहीं था ये।
तो अभी मौसम यहाँ बहुत ख़राब है, पीछे बारिश हो रही थी सर्दियों से पहले, अब आगे हमने जाना था लेकिन मौसम यहाँ बहुत ख़राब है और बारिश हो रही थी, अब बारिश रुक गई है, यहाँ नहीं हो रही है लेकिन सामने आप देख सकते हो कितने काले बादल हैं, इसलिए अब हमें शायद यहीं रहना पड़ेगा। अभी यहाँ से 250 किलोमीटर है ले, शायद सरचू में ही आज स्टे करना पड़े, अभी पीछे बादल बहुत है और थंडर स्टॉर्म भी की आवाज़ भी बहुत आ रही थी मेरे सामने, आप ऊपर देख रहे हो, और इस समय अगर रात में हमने पांग में नहीं जाना क्योंकि पांग में सांस की बहुत दिक्कत है, लास्ट टाइम मैं वहीं रुका था, सांस की वहाँ बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए आज यहीं पे ही रुकना पड़ेगा। सुबह जब मौसम ठीक, अभी हवा भी आप देख रहे हो कि कितनी तेज़ चल रही है और बाइक सिर्फ 30 या 20 पे चल रही है लेकिन बहुत तेज़ हवा है, इसलिए हम अभी नहीं जा रहे हैं, ये आर्मी का कैंप है, ये सब आर्मी का सामान जा रहा है लेह और सियाचिन में, लग रही है अब जैकेट डालने के बाद भी, हो सकता है कि वहाँ बारिश हो रही हो ऊपर, लेकिन मौसम बहुत ख़राब है अभी और अंधेरा भी हो जाएगा जल्दी, इसलिए हमें आज यहीं रुकना पड़ेगा। बारिश में और अंधेरे में पहाड़ों में चलाना इम्पॉसिबल है, ऊपर से ठंड भी बहुत है, तो अभी आगे जो आप देख रहे हो वो सारा सरचू है, वहाँ कोई टेंट मिल जाएगा हमें और यहाँ पे एंट्री भी करानी पड़ेगी, पास से मैंने ये आज देखा है कि कैसे बादल ऊपर होते हैं और कैसे बारिश होती है हल्की हल्की, पहले मैंने कैमरा उतार दिया था क्योंकि वहाँ बारिश हो रही थी,
तो ये चेक पॉइंट है, पहले हमें यहाँ पे चेकिंग करानी है, फिर उसके बाद यहाँ से जेके में एंटर करेंगे, फिर वहाँ करानी है। तो करते हैं इसके बाद आपसे। तो जब लास्ट टाइम मैं यहाँ आया था, यहाँ बहुत पानी था इस पूरी रोड पे, अब शायद आगे हो या पता नहीं, देखते हैं। तो रास्ता भी वही है, वहीं से उस ब्रिज से, लेकिन यहाँ नया ब्रिज बन रहा है, लोकेशन सरचू ब्रिज। लो जो लास्ट टाइम था अब भी वही है, इसी वजह से ही ये ब्रिज बन रहा है, सेम टू सेम बिल्कुल जो लास्ट टाइम था अब भी वही है। वैसे इतनी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि जो ये पत्थर हैं ट्रक के जाने से सब दबे हुए हैं और इतने बड़े नहीं हैं, बस ध्यान से निकालनी है। जब ब्रिज बन जाएगा तब ये ठीक हो जाएगा, अभी तो ऐसे ही है लास्ट टाइम की तरह। तो सेफली पार हो गया, तो अभी ये बन रहा है, वेलकम टू जम्मू एंड कश्मीर। अब इसके बाद यहाँ एंट्री करवानी है क्योंकि अब हम जम्मू कश्मीर में एंटर कर गए हैं। यहाँ से एंट्री के बाद फिर करते हैं आपसे। तो ये सारे कोई होम स्टे कोई बेडरूम यहाँ जैसे लिखा हुआ है मिल जाएगा रहने को। तो अब करते हैं यहाँ पे, देखते हैं कौन सा कुछ मिलेगा, फिर उसके बाद करते हैं आपसे। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मौसम ख़राब है इसलिए हम आगे नहीं जा रहे हैं और अंधेरा भी है और पांग का एरिया वैसे भी बहुत गंदा है, वहाँ ऑक्सीजन नहीं आती इसलिए हमने वहाँ रात को नहीं जाना। और आज के लिए वीडियो में इतना ही, टिल देन स्टे सेफ, राइड सेफ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।